मॉर्निंग लड्डू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग लड्डू। तो कल था संडे, कल हम लोग घूमने गए थे। ब्लॉग ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखे आप लोगों ने तो जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हम लोगों ने। उसके बाद आज है मंडे, लक्ष्य की छुट्टी है, तो यहाँ पे ये उसे मोबाइल दिखा रहा था तो मैं मना कर रही थी उसे मोबाइल की आदत मत लगाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं शेयर नहीं करती हूँ, जैसे कि हम लोग घूमने गए उससे 4-5 दिन पहले ना लड्डू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। थोड़ा बहुत मैंने ब्लॉग बनाया था, रात में हम लोग इतना टेंशन में आ गए थे, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे इसको। लड्डू लड्डू को भी मूँगफली खानी है, और देखो हाथ पैर कैसे काले कर रहा है, बताना। ये मूँगफली लेके आया आज सुबह 2 किलो फिर से, क्योंकि लेकिन अब तक की जितनी भी हम 3 बार मूँगफली लेके आ चुके हैं कच्ची वाली, उनमें सबसे अच्छी ये वाली निकली है, एकदम रेड रेड, बताना लड्डू लच्छ खोल के ये वाली। ये देखिए, देखो एकदम रेड रेड सारी ये वाली, ये वाली मेरी वाली खोलना। बहुत टेस्टी मूंगफली लगती है यार मुझे, अभी नवरात्रि आ गई ना, देखो ये रही। इसको सब कुछ खाना है, इसको सब कुछ खाना है, खाना कुछ नहीं है, इसको फैलाना और वो करना है बस। देखो रखेगा, उठाएगा, अरे इसने नाक में दम कर दी हमारी, देखो पूरी थाली ले ली, देखो लच्छ को भी नहीं खाने दे रहा, देखो सब खाना है, सब कुछ खाना है लड्डू। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज बनाए हुए हैं मैंने पोहा, बहुत टाइम बाद बनाए हुए हैं। तो ये मेरी प्लेट है, ये लक्ष्य की प्लेट है, और लंच मुझे नहीं पता कब तक बनेगा, क्योंकि आज है मंगलवार, तो मंगलवार को इनका फास्ट रहता है, तो मैं लेट ही बनाऊँगी, थोड़ा आलस आ जाता है। चलो बहुत सारे काम करने हैं, खा लेते हैं। मैं इस टाइप से पोहा बनाती हूँ, 2-3 टाइप से, तो आज मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं। लक्ष्य गया है नींबू लेने के लिए, क्योंकि बिना नींबू के तो मज़े ही नहीं आता ना। ये बस ऐसा नहीं करनी है, बस निकलो वहाँ से, निकलो लड्डू, आ जाओ, निकलो, आओ लड्डू, अरे पकड़ो इसको, तो लड्डू की शैतानी आप लोग देख सकते हो। मैं किचन में बना रही थी खाना, ये भी घर पे नहीं थे, ये कुछ काम से गए हुए थे, और लक्ष्य तो स्कूल जाता ही है, तो इस टाइम पे मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट होता है ना कि हेल्पर भी नहीं आ रही, सारा काम भी मुझे करना है, इसको भी देखना है, खाना भी बनाना है। तो मैं खाना बना रही थी और उतनी देर में ही ये गायब हो गया। मैंने इतनी ज़्यादा आवाज़ लगाई, लड्डू कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, लेकिन ये बोल भी नहीं रहा था, तो मैं अंदर से एकदम मैं घबरा गई थी। उसके बाद मुझे ये पलंग के नीचे देखा, हमारा ग्राउंड फ्लोर का घर है, डर तो लगता ही है। एक बार सांप निकला था आपको पता है, तो बच्चों पर प्रॉपर नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं इन्वर्टर के पास ना चले जाएं, कहीं कुछ खा ना ले। तो भैया मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एक बार पकड़ के लेके आई थी, फिर से पहुँच गया, फिर दोबारा से पकड़ के लेके आई, फिर से पहुँच गया, मतलब ये बैंड बज रही है ना, लेकिन ये वाला फेज है ना, मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, ये टाइम निकल जाता है, ये दोबारा से नहीं आता है। तो अभी इवनिंग का समय हो रहा है, सब लोग घर पे ही थे, तो यहाँ पे ये ना वो देख रहा था बेबी शार्क, मतलब पता नहीं अलग अलग ही देखता है, सॉन्ग सुनता है बच्चों वाले कार्टून वाले, तो बहुत देखो यहाँ पर डांस कर रहा है ये, तो इसके चेंज होते रहते, कभी चिड़िया रानी, कभी बेबी शार्क, कहीं कुछ कहीं कुछ। उसके बाद अभी रात का समय हो रहा है, मोनू आया हुआ था। मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, आपको पता है रेगुलर नहीं चल रही है मेरी ब्लॉगिंग, क्योंकि आपको पता है मैं बार बार बोलती हूँ लड्डू की वजह से, मुझे प्रॉपर उसको टाइम देना होता है, मेरा बच्चा है यार, ये समय निकल जाएगा, मैं टाइम नहीं बिता पाऊँगी, तो मैं हमेशा पछताऊँगी कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मैंने उसको समय नहीं दिया। देखो ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। तो यहाँ पर ये घुमाने के लिए लेके जा रहा था लड्डू को। हे एवरीवन गुड इवनिंग, मैं जा रही हूँ मायके और मोनू के साथ अचानक से, और देखो ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं, मैं बहुत लेट हो गई इनके लिए खाना बना के, वो फ्रिज में रख देना खाना, खाना बना के आटा लगा के बर्तन साफ करके सारा काम करके मैं और लड्डू जा रहे हैं, लक्ष्य को ये मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं इसलिए जा रही हूँ। क्या अर्जेंट काम है ये मैं बता भी सकती हूँ, नहीं भी बता सकती, बट मैं कुछ लोगों के लिए थोड़ा सस्पेंस रखना चाहती हूँ जो मेरे आसपास के, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती। तो चलिए मैं चलती हूँ, और कैसा लग रहा है, मैं जा रही हूँ मुझे लेने, भले ही बताना, मैं अब जा रही हूँ 8 दिन के लिए, ठीक है, चलो चलते हैं, मेरी सैंडल निकाल दो यार वहाँ से, वो भी मैं करूँ प्लीज, खुशी खुशी में निकाल। हाँ,
तो फाइनली रात में मैं पहुंच गई मायके। जाके अचानक से मैंने सबको सरप्राइज दिया, सब लोग एकदम अचानक से देखते ही रह गए। उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, वरना मैं आपको रिएक्शन दिखाती। सब लोग बहुत खुश हो गए थे। और जाते ही मैंने पकड़ लिया था बिस्तर और नाइटी वगैरह पहन ली थी मैंने, क्योंकि मैं उसी में कम्फर्टेबल फील करती हूँ। उसके बाद मैं सुबह बहुत लेट उठी थी, जैसे कि आपको पता है मायके में हमेशा मैं तो लेट ही उठती हूँ। मुझे कोई रोकने टोकने वाला होता नहीं है, टेंशन फ्री होती हूँ, सुबह उठने का टेंशन नहीं होता है। भाभी मेरी जिंदाबाद है ही, तो कोई कुछ बोलता नहीं है, मैं सोती रहती हूँ। तो सुबह उठते ही मैं आ गई बाहर, बहुत तेज़ धूप आ गई थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था बहुत समय बाद। तो मैंने यहाँ पर लड्डू को भी बिठा दिया था, और मेरी हालत को इग्नोर करना, क्योंकि सो के उठते हैं तो सभी का फेस ऐसा सूजा हुआ ही लगता होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरा तो लगता है। उसके बाद यहाँ स्कूल की टाइमिंग थी, तो ये बाबा इसको लेके जा रहे थे अपनी नातिन को, तो मुझे अपने बाबा की याद आ गई। मेरे बाबा स्कूल तो नहीं लेके गए, बट मैं गांव जाती थी बाबा के साथ साइकिल पे। यहाँ पे लड्डू की शैतानी आप लोग देख सकते हो। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं और भावना जा रहे हैं थोड़े टाइम के लिए कहीं कुछ लेने जाना है, उसके बाद मुझे बैंक जाना है। चलो, यहाँ अच्छा आ रहा है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ मौसम थोड़ा सा, है ना। तेरी ये चुन्नी इसमें मैच कर रही है। यस, तो हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ी समय के लिए, उसके बाद भावना जाएगी लाइब्रेरी। क्यों भावना? मेरी वजह से भावना की लाइब्रेरी थोड़ी ऐसी हो गई, क्योंकि सुबह भी लेट हो गई थी। कल अचानक से सरप्राइज दिया, कैसा लगा भावना? बहुत अच्छा। मन में भले ही अच्छा नहीं लग रहा हो। चलो चलते। तो हम आ गए हैं साड़ियों की शॉप पर। मैं साड़ियाँ ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, आपने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत पहनती हूँ, पहले बहुत पहनती थी, गांव में रहती थी उस टाइम पर। बट मेरे पास इतनी साड़ियाँ मिल जाएंगी मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा बेड भरा हुआ पड़ा है। ये अलग बात है, मुझे ब्लाउज फिट नहीं हो रहे हैं, और अभी नई भी साड़ियाँ मैंने बहुत ज़्यादा ली हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हुई हैं। तो जैसे ही मैं साड़ियों को देखती हूँ ना, मेरा दिल पिघल जाता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो वहाँ पर मैं साड़ियाँ देखने लग गई थी, कुछ एक साड़ियाँ मुझे अच्छी लग गई थी इसलिए। उसके बाद अभी इवनिंग का समय हो रहा है, हम घर चले गए थे, फिर वापस से आए हैं मार्केट, कुछ एक काम था मुझे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ गोल्ड, और आप लोग देख सकते हो इन रिंग में से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये मुझे ज़रूर बताना। मुझे दो अच्छी लगी थी, और गोल्ड का भाव तो आपको पता ही है, सातवें आसमान को छू रहा है। आप लोग बताना कि आपके यहाँ गोल्ड का भाव कितना है। मेरी शादी पर 25 था, और अभी देखो कितना हो गया है, 60-63 हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। और बस अब पैसे देने की बारी आ गई। मैं ज्वेलर्स की शॉप पे जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, डिज़ाइन क्या लूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भैया भी आ गए थे, मम्मी भी हमारे साथ आई हुई थी। तो अभी हो रहा है रात का समय, 9 बज रहे हैं ना, और अभी हम जा रहे हैं उस वाले मकान पर। मम्मी भैंस की यहाँ गई हुई हैं, तो आज बड़ी दीदी भी आ गई है मेरी वजह से, मैंने बोला कि आज अब मिल जाना लड्डू से, तो दीदी भी आ गई हैं। और हम फिर उसके बाद मार्केट चले गए थे दोबारा, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। और आपने देखा ही, मैं थोड़ी बहुत सूट किया था, बहुत सारी मतलब चीज़ें लेने गए थे, लेके भी आए हुए हैं। तो चलो चलते हैं। क्यों लड्डू? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, सुबह होते ही ऊपर आने का दिल करता है, सुबह मेरी बहुत लेट होती है मायके में, वहाँ पे जल्दी हो जाती है, लंच की वजह से टिफ़िन विफिन बनाना पड़ता है। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, अभी सो के उठी थी, लड्डू अभी सो रहा है, और रात में मुझे आके इन्होंने सरप्राइज दिया, ये और लक्ष्य आ गए। मतलब मुझे एक दिन भी नहीं हुआ और ये और लक्ष्य आ गए, क्योंकि आज था सैटरडे, लक्ष्य की छुट्टी थी और इनकी भी छुट्टी थी ऑफिस की, तो ये और लक्ष्य दोनों आ गए। तो मैं कह रही ये क्या मतलब हुआ, बहुत रात में आए थे ये लोग, 9:30 बजे के समथिंग आए थे रात में। फिर कल लड्डू बहुत रो रहा था, क्योंकि मुझे बैंक में काम था, तो 2-3 घंटे मुझे बैंक में लग गए, उसके बाद मैं मार्केट गई थी। तो कल रात में लड्डू मुझे छोड़ ही नहीं रहा था कि मम्मा फिर से कहीं चली जाएगी। तो बस इतना सब कुछ चल रहा है, मैं सूट प्रॉपर नहीं कर रही हूँ ब्लॉगिंग वगैरह, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं आपको बताने के लिए, बट कभी कभी लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो टाइम आता है ना तभी बताना चाहिए, तो मैं इसलिए नहीं बताती हूँ। और ये सोचते सोचते ना मैं बहुत सारी चीज़ें बताती ही नहीं हूँ, मैं भूल जाती हूँ या बहुत लेट हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या बताएं। तो बस अभी नीचे जाऊँगी, खाऊँगी पीऊँगी, चाय मैंने पी ली है, और नाश्ता पानी करके आज भाभी बना रही है आलू के पराठे, मंगोड़े वगैरह, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। तो
सब चीज़ें बना रही हैं। वो मैंने उनसे कल बोल दिया भाभी आपके हाथ के आलू के पराठे खाने हैं मुझे, तो भाभी बोल रही ठीक है। अभी ये उठेंगे, अभी ये भी सो रहे हैं, तो ये उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, मंदिर जाएंगे, फिर हमें कहीं निकलना है तो हम कहीं निकलेंगे, उसके बाद शायद हम ग्वालियर जाएंगे आज ही, या हो सकता है कल भी जाए, बट अभी फाइनल नहीं है कब जाएंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं नीचे, मैं नहाती धोती हूँ। मायके में कितना आलस फैलता है ना, बहुत ज़्यादा। मम्मी के पेड़ पौधे, मम्मी ने इतने सारे गमले बनाए हुए हैं ना, मम्मी कह रही लेके जाइयो, तो इनमें से दो तीन मैं लेके जाऊँगी, मैं छोटे छोटे लेके जाऊँगी। मम्मी कह रही बड़े भी ले जाना, छोटी भी ले जाना गाड़ी में, क्योंकि अब की बार में ज़्यादा कुछ लाई नहीं है तो गाड़ी में जा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी के गमले, मम्मी ने घर पे बनाए हुए हैं, देखो मम्मी ने कितने सारे गमले बनाए हुए हैं। अभी इनको मम्मी ने वो नहीं किया, क्या करते हैं पहले अभी इस पर सीमेंट का कलर होगा, उसके बाद इस पर मम्मी वैसा कलर करेंगे, तो वो सब मम्मी ने नहीं किया। मैं मम्मी से कह रही हूँ मम्मी छोटे वाले दे देना मुझे, तो मम्मी कह रही बड़े वाले भी ले जाना, छोटे वाले भी, अब देखते हैं पतिदेव क्या बोलते हैं, वही लेके जाएंगे। वैसे तो ये मना ही कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है, बहुत सारे हैं, बट मैं लेके जाऊंगी मम्मी बोल रही हैं। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 गमले बन गए हैं, 22 गमले बनाए मम्मी ने, क्योंकि मम्मी के पेड़ पौधे ना ऐसे ही लगे हुए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, हर बार दिखाती हूँ। तो ये मम्मी के पेड़ पौधे, उस वाले घर पे तो इतने लगे हुए हैं क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छी अच्छी बेल लगी हुई हैं, देखो ये। चलो मैं नीचे चलती हूँ। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हम लोग गाड़ी में हैं, अभी हम लौट के जा रहे हैं और ये गांव में घूम के आ गए, मैं नानी के यहाँ घूम के आ गई। मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी, लड्डू सो गया, लक्ष्य हमारा आया नहीं था, बोल रहा मैं थक गया हूँ, रात भर उसने पढ़ाई करी थी तो बस फिर वो नहीं हुआ, सोया सो गया था वो, थक गया। और मेरी साड़ी अलग, ब्लाउज अलग, क्योंकि मैं जल्दी में आई थी तो मैं साड़ी लेके नहीं आई, और जो मेरी साड़ी थी ना ये वाली, वो चूहे ने कट कर दी, तो मैंने रफू के लिए भेज दी मार्केट में। और क्या बोलूँ मैं, ब्लॉगिंग तो मैं ज़्यादा शूट कर ही नहीं रही हूँ, ब्लॉग बना नहीं रही हूँ, और बस चलते हैं ना, इतना व्यूज वगैरह नहीं आ रहे तो फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा, तो इस वजह से कौन इतना मेहनत करे, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं वापस मम्मी के यहाँ पर, चलो चलते हैं। तो कल मैं क्या लेके आई हुई हूँ आप लोग गैस कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं सोच रही दिखा दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो जाने दो, अभी नहीं दिखा रही, आप लोग गैस कीजिए, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो हम सब लोग बैठे हुए थे तो यही सारी चीज़ें देख रहे थे, उसके बाद अगेन इवनिंग का समय हो गया है, मैं फिर से ज्वेलर्स की शॉप पर पहुँच गई हूँ, क्योंकि पतिदेव आ चुके थे तो बस वो भी साथ में गए हैं मेरे, और मुझे एक काम था कुछ पहले का, जो मैंने गोल्ड बनवाया था उसमें मुझे कुछ करवाना था, तो वो करवाने के लिए गई थी मैं इनके साथ। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ देख रहे थे तो उन्होंने इतना प्यारा सा ये नेक पीस चैन, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वो तो नेकलेस ही बोल रहे थे हल्का, तो थोड़ा फैंसी था, इतना प्यारा डिज़ाइन लग रहा था ना, मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन इतना भी खास नहीं लग रहा था, मैं इस टाइप से डेली के लिए देख रही थी, बट ये थोड़ा बड़ा ही था और ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, ओल्ड डिज़ाइन जैसा ही लग रहा था। उसके बाद इन्होंने ये इटालियन डिज़ाइन दिखाया था, इटालियन ही बोल रहे थे, कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि इसका थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा बनवाने का, तो कुछ मेकिंग चार्ज वगैरह ज़्यादा लगेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मैं इसको गले में डाल के देख रही थी तो इनको इतना पसंद आया, इन्होंने एक नज़र में ही बोल दिया ये तो लेना ही है। तो मैंने बोला नहीं यार नहीं ले रहे, डेली में इसको ज़्यादा पहन नहीं सकते, ये फैंसी आइटम ज़्यादा चलते नहीं हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि फैंसी आइटम नहीं लेने चाहिए, बट इनको ये पड़ी थी कि नहीं लेना ही है ये, तो फिर इसका भाव तौल किया और इनकी शक्ल आप लोग देख सकते हो, जब पैसे जाते हैं तो आपको पता ही है क्या हालत बन जाती है। तो ये मैंने अपना जो मेरा मंगलसूत्र है उसको निकाला था, मैं इसको बेच नहीं रही हूँ भाई, मैं ऐसे ही निकाल के उसको पहन के देखा था। ये आप लोग इसका डिज़ाइन देख सकते हो, आप लोग बताना ये कैसा लग रहा था, ये कह रहे थे बहुत यूनिक है ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे हटके है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज नेक्स्ट डे है, कल कोई भी मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, कल का दिन भी निकल गया ऐसे ही इधर उधर भागते दौड़ते। और देखो आज मम्मी ने गमलों में पानी भर के रख दिया है, जिससे कि अच्छे सेट हो जाएंगे, ये तलाई टाइप की, जैसे मकान बनता है ना तो उसकी तलाई होती है वैसे ही, मम्मी ने एक्चुअली इस वाले सांचे से बनाए हैं ये सारे गमले। चलो, और मम्मी ने छोटे वाले गमलों में ये मिट्टी और खाद रख दिया। मम्मी कह रही कौन कौन से पौधे लेके जाएगी, देखती हूँ कौन कौन से लेके जाती हूँ। और ये देखो ये मीठा नीम है, देखो ये वाले फूल,
कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत सारे फूल के नाम भी नहीं पता यार। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी जा रही हूँ मैं मायके से ग्वालियर और 5:50 हो गए हैं शाम को। और ये हमेशा वो छोड़ के आ जाते हैं कुछ ना कुछ, तो ये अपना हेडफोन छोड़ के आ गए तो हम रुके हुए। मैंने ही याद दिलाया, हमेशा मैं ही याद दिलाती हूँ। पर्स ले लिया, पर्स अपना। चलो जी, आ गया रुद्र, आ गया हेडफोन दे चट्टी इसकी। हाँ चलो, ये रख लो। चलो चलो बाय रुद्र, चलो 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 चलते हैं। सारा मतलब उधर से एकदम खाली आए थे, इधर से भर भर के ले जा रहे हैं हम सारा सामान। एक मिनट की दूरी पे आगे बढ़े और फिर से घर से फोन आ गया कि अपना चार्जर भूल के चले गए। तो मायके आते हैं तो कुछ ना कुछ भूल के जाते ही हैं, चाहे कितने भी तैयारी कर लो। मुझे सुबह ही निकलना था लेकिन ये बोल रहे थे शाम को निकलेंगे। थैंक यू रुद्र, रुद्र से बाय कर लो, बाय। कितना खुश हो रहा है, बाय रुद्र से बहुत ज्यादा वो कर रहा है। देखो देखो कैसे कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है। हाँ बाय बाय। हाँ नहीं जाना बेटा, नहीं जाना, भैया बाद में आएगा। ठीक है, बंद कर दो यार। बंद है क्या? चलो बंद कर दिया, पापा ने लॉक कर दिया। चलो चलते हैं। गाय 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 गाय, यहाँ गाय बहुत ज्यादा है। चलो चलते हैं, मम्मी ने बहुत सारा सामान रख दिया है। मैं दूध लेके जा रही हूँ, छाछ लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे कड़ी भी बनानी है, हरी मूंगफली और बहुत सारी चीजें हैं, दलिया वगैरह और बाजरे का आटा, गेहूं का। गेहूं तो मम्मी ने, हम पिछली बार आए थे ना तब मम्मी ने गेहूं रख दिए थे यार। माँ तो अचार पापड़ सब चीज मम्मी रखती है यार। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, भाभी भी सुबह से तैयारी में लगी थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरे ननद होती ना तो मैं शायद भाभी जैसी भाभी नहीं बन पाती, मतलब वो इतनी अच्छी है। तो चलो भैया तो थे नहीं, भैया गांव चले गए हैं कि अभी वो चल रहा है ना, वो सरसों का कुछ चल रहा है तो उसको देखने के लिए गए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात थी बड़ी दीदी भी आ गई थी तो उनसे भी मिलना हो गया, तो अभी निकलते हैं। और बता, अब की बार मैं कपड़े नहीं लेके आई थी तो ठीक है, मुझे कहीं जाना भी नहीं था तो घर पर ही रहना, तो बस चलो चलते हैं। जितने भी काम मेरे होने थे वो सारे हो चुके हैं और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारा काम करके मैं लेके जा रही हूँ, बहुत सारे काम करके लेके जा रही हूँ। चलो चलते हैं। गंदी बात मैं करूँगा लड्डू के साथ, गंदी बात। तो अभी हम रुके हुए हैं मई वाले कुएं पर जोरा में, और जो लोग जोरा से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा। और यहाँ पे पत्ते गए हैं मेरे लिए पेटीज लेने। जाते जाते मुझे याद आया कि चलो यार जोरा की पेटीज खाते हैं, बहुत टाइम से खाई नहीं है मैंने। अब की बार मेरी धन्ना चली गई थी यार, तो मुझे मैंने इतने सारे अरमान सजाए थे, मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी लेकिन भूख ही नहीं लग रही थी। भाभी ने सारी चीज़ें बनाई थी, मंगौड़े सारी चीज़ें बनाई हुई थी। चलो ये लेके आ गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं कटोईबरी हनुमान जी के मंदिर, और आज देखो दर्शन क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहे हैं कैमरे में क्योंकि लाइट थोड़ी कम है। और ये लक्ष्य गया हुआ था। चलो चलते हैं, 6:15 के समथिंग हो गया, 8 तक पहुंच पाएंगे हम लोग। 1.25 घंटे में आ गए। हाँ अच्छा, क्योंकि तुम अकेले थे ना, डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अच्छा तुम आए क्यों थे मुझे ये तो बता दो। इतनी याद आ रही थी कि दौड़े चले आए, अध हो गई यार सब्जी देख लो, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ। मुझे आ रही थी याद, इसलिए आए। अच्छा अच्छा, ऐसे दौड़े चले आए यार, एक रात मुझे ढंग से नहीं टिकने दिया। दूसरे दिन तो आ गए, दूसरे दिन मैंने बोला चलो अब तो चलते हैं, क्योंकि मुझे टेंशन थी क्योंकि वो दीदी आ नहीं रही काम वाली, तो मैंने कि मुझे जाके काम करना है सारा, तो सारा फैला हुआ डला ये नहीं। लक्ष्य तुम्हारी ड्रेस भूल के आ गई। और हाँ मैंने आपको एक बात नहीं बता पाई, हाँ वो वाली पहनाना लोअर वाली, कोई मोनू वाली आई। अब क्या होता है, नहीं नहीं 20 दिन तक वो ही पहनेगा, वो पहन लेगा। 10 दिन की बात है, 10 दिन की बात है। एप्लीकेशन हम कह देंगे लक्ष्य के पैर में लग गई है, इसको अलाउ करो लवर टी शर्ट। तब से क्या हुआ था? कोई बात नहीं बेटा, मैं बात कर लूंगी स्कूल में, ठीक है? उसकी तरह तेरे पेट काट देंगे, जला देंगे। अरे भाई ले आई, मैं ले आई भैया, मुझे टेंशन रहती है, तुम जैसे पता है मुझे कैसे लोग हो तुम। लड्डू
क्या हो रहा है ये? आओ निकलो वहां से, नाना नहीं है। आओ बेटा आ जाओ, मगर आज बेटा आ जाओ, आओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। नहीं आना गंदा बेबी, आ आओ आ जाओ। बच्चा आओ बच्चा। लड्डू, हेलो लड्डू, पापा कहाँ है? पापा कहाँ बेटा? सुनो सो जाओ यार। अरे यार मैं कह रहा हूँ ये लड्डू तुरंत सो जाता है अगर सब चुप होके सो जाते। इसकी चूसनी कहाँ बेटा? मेरी को नहीं पता है। तो कल सुबह ही इनको निकलना है और यहाँ पे लड्डू को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लड्डू सोता ही नहीं है। रात होते ही उसकी शैतानियाँ बढ़ जाती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या हालत मचा रखी है। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं जल्दी सो जाएंगे। तो ये सुबह इनको जाना है तो जल्दी उठना भी है। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह ये जा रहे हैं, 5:30 हो रहा है। मायके से आए हुए हैं, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह सारी चीज़ें करी मैंने। अभी बाहर अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग है उसको कर रहे हैं। मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया बाहर का, तो ये पूजा वगैरह करके नहा के तब जा रहे हैं। देखो कब तक आते हैं वापस, पता नहीं। मैं घर से आके इतने सारे कपड़े वॉश किए, घर की सफाई करी, किचन की सफाई करी, थोड़ी बहुत बाकी रह गई है। हेल्पर मेरी आ नहीं रही है, कम से कम एक महीना होने पे आ चला। उनकी लड़की की डिलीवरी हुई है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से वो नहीं आ रही। चलो इनकी विदा कर देते हैं। ये कहीं जाते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। भले ये एक दिन के लिए जाए अच्छा नहीं लगता। अभी लड्डू इतना परेशान करने लगा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है लड्डू, सारा दिन निकल जाता है इसी में। बड़ा हो गया है ना इसलिए। आपने स्टोरी में देखा होगा इंस्टाग्राम पे, छुप जाता है यार, मैं डर जाती हूँ, छुप जाता है ये लड़का। चलो चलते हैं बाहर, आराम से जाना, फोन कर देना। जय माता दी, जय माता दी।